भाई यार खिंच नहीं रही, खिंच ही नहीं रही यार ये तो यार। अरे पावर ही नहीं पकड़ रही। अरे क्या हो गया भाई? अरे लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया यार। अरे यार पेट्रोल ही खत्म हो गया लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, यार आज मैं आपके सामने इसी करिश्मा की XMR का रिव्यू करूंगा और बताऊंगा यार क्या कुछ इस गाड़ी में खास होने वाले, क्या होने वाले इसके फीचर्स वगैरह यार। तो मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्हीकल बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हीरो ने अपडेट मॉडल में एक फेयरिंग सेगमेंट की स्पोर्ट बाइक को XMR का नाम दिया है, वैसे ही इसका लुक भी बेहतरीन देखने पर लगता है साथियों। यार रेसिंग बाइक वाला हटके आपको फील करवाएगी दोस्तों। या फिर चाहे हम इसकी एज डिज़ाइन वाली DRL की बात कर लें और आप इसे अगर थोड़ा दूर से भी देखेंगे तो आपको यार एकदम हटके फील आने वाली है और महज 2 लाख रुपये में आपके घर पर ही आने वाली है। फ्रंट से आप ओवरलुक देखेंगे, DRL देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन लगती हैं और बीच में आपको इंटेलिजेंट लाइट देखने के लिए मिल जाएगी जो नाइट होते ही ऑन हो जाएगी। LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। यार बीच में एच डिज़ाइन है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है साथियों। यार और यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो का लोगो है, एच डिज़ाइन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं XMR की बैचिंग की गई है साथियों यार। और लाइन कटर एलॉय व्हील के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 300 mm की बड़ी सी यहाँ पर डिस्क प्लेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी साथियों यार। और ये जो टायर आप देख रहे हैं ये 180 और 17 इंची का इसमें आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा। स्पोर्ट्सी वाला प्रीमियम रेड और ब्लैक डिज़ाइन किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से नहीं रोक सकती। इसे इतने सुंदर तरीके से तराशा है। 11 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक दिया है जिससे हमें 45 के माइलेज की आशा है। E20 के सपोर्ट ने माइलेज को और भी संवारा है, साथ में FI सिस्टम भी आ रहा है। ड्यूल ओवरहेड कैमशिफ्ट और 200 cc का इंजन, 25 BHP की पावर, 20 Nm की ताकत खुद में बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 गियर भी इसमें साथ में आ रहा है और 810 mm सीट हाइट है। 163 किलो गाड़ी का इसमें वजन आ रहा है और 160 mm कंपनी वाला इसका ग्राउंड क्लियरेंस बता रहा है साथियों। और बात कर लें इसकी सीट की तो सीट काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होने वाली है, चाहे हम फ्रंट की सीट की बात कर लें या पीछे की, दोनों की ही सीट आरामदायक होने वाली है। लेकिन जो इसका पीछे का लुक है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन पीछे का लुक नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आपको करवा रहा है। और ये जो टर्न ऑन इंडिकेटर दिख रहे हैं इसमें आपको हैजर्ड लाइट का फीचर भी आ रहा है। और 140/70/17 का टायर सड़कों से सच्चा प्रेम बता रहा है। 230 mm की डिस्क प्लेट है। थ्रिल्स चेसिस पर ये बनी है, झूला देखकर हमें ऐसा समझ आ रहा है। 6-way एडजस्टेबल की सेटिंग को इसका पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन दर्शा रहा है और पीछे के ग्राफिक हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव करने को भी मन ललचा रहा है और मीटर में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं लेकिन कंपनी वाला कह रहा है भाई हमसे नहीं हो पा रहा है। विंडशील्ड एडजस्ट करने का फंक्शंस भी वो बता रहा है। मीटर में हम आपको बता देते हैं, मीटर यहां से आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं हैजर्ड लाइट को और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके जो विंडशील्ड है इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये फंक्शंस ये बता रहा है, इसको नहीं पता ये वीडियो YouTube पर जा रहा है। और साथ में यहाँ पर हैजर्ड लाइट का स्विच बता रहा है, इंजन का कूलिंग बता रहा है, गाड़ी के काफ़ी सारे फंक्शंस दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, USB का चार्जिंग का पोर्ट बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल लगा सकते हैं और सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। स्प्लिट हैंडल बार के साथ आ जाएगी देखने के लिए। अब साउंड इसका सुनवा देते हैं हम आपको। तो इसमें सिंगल एग्जॉस्ट आ रहा है जो आपको हैवी बेस सुना रहा है। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों यार। और गाड़ी कैसे 20,000 के डाउन पेमेंट में घर ले जाएं ऐसे फाइनेंसर हमें समझा रहा है। 6,000 की 36 EMI बता रहा है। इसमें येलो कलर YouTube पर ज़्यादा नज़र आ रहा है लेकिन लाल मुझे पसंद आ रहा है दोस्तों यार। तो आपको कौन सा पसंद आ रहा है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों यार। ईमानदारी कौन कौन दिखा रहा है। और चलिए अब टेस्ट ड्राइव पर चलते हैं क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा है। सीट टू राइट कंफर्टेबल चलाने पर हमें समझ आ रहा है। गाड़ी का हैंडल बार कंट्रोलिंग के लिहाज से खुद को बेस्ट बता रहा है। रेसर बाइक वाला मज़ा आ रहा है। पावर अच्छा खासा समझ आ रहा है।
गाड़ी का इंजन बहुत ताकत रोड पर दिखा रहा है दोस्तों। गाड़ी सिक्स्थ गियर पर भी पिकअप ले रही है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ रहा है। और यकीन मानिए यार, गाड़ी का जो राइडिंग का पोस्चर है वो काफ़ी बेहतरीन होता है हीरो की गाड़ियों का, क्योंकि एग्रेसिव लुक उतना ज़्यादा नहीं होता है गाड़ी का यार। तो सीट की जो मतलब कंफर्टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप लॉन्ग रूट के शौकीन हैं या लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि माइलेज भी इसका 40 के ऊपर होने वाला। हीरो की बाइक जो होती हैं वो माइलेज को अच्छा खासा टारगेट करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो समाप्त करने का वीडियो भी समय आ रहा है दोस्तों यार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।